स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं जोशी नाम की एक फिल्म को, जो कि एक लड़की के बारे में है। ये हमें बहुत सी चीज़ें सिखा कर जाती है, और अगर मेरी आवाज़ हल्की सी भी कुछ अजीब सी लगे या एनर्जी डाउन दिखे तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरे को बहुत तेज फीवर है और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओके, तो आज हम देखने जा रहे हैं जिस फिल्म को ना, ये एक डिसेबल लड़की की होती है जो कि अपाहिज होती है, चल फिर नहीं पाती और इसको व्हील चेयर पर ही रहना पड़ता है। आज ये बाहर आई होती है, कुछ गंदे लोग इसको गलत तरीके से छूने लगते हैं और इस पर अजीब अजीब बातें करते हैं। खुद के बचाव में वो उनसे लड़ती है तो बेचारी गिर पड़ती है। वहीं पर एक ली अनसुक नाम का लड़का होता है जो कि इसको देख रहा है। अगर हम ली की बात कर लेते हैं, सोल के बाहर एक छोटी से टाउन की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है और दिखने में काफ़ी अच्छा होता है। जोशी को ऐसी हालत में देख उसकी हेल्प करने के लिए आता है। व्हील चेयर टूट जाने से एक ट्रोली में उसको उठाकर उसके घर की तरफ लेकर जाता है। जोशी के माता पिता नहीं होते, ये अपनी दादी माँ के साथ रहती है। जोशी हेल्प के बदले में ली को यहीं पर खाना खाने का ऑफर करती है और ये खाता भी है। और जब यहाँ से वापस चला जाता है तो अगली सीन में हमें सुबह का समय दिखाया जाता है। इसकी आंखें खुलती है एक लड़की के शोर मचाने से, जो बोल रही होती है भागो यहाँ से, मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है। ये लड़की इसकी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर होती है जो ली के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है। ली कपड़े पहनकर जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। कॉलेज आता है तो एक लड़की से मिलता है, इसका नाम सियोन होता है और ये ली को मन ही मन में बहुत पसंद करती है, दोनों दोस्त है फिलहाल अभी तो। ली यहाँ से एक क्लास लेने के बाद कैफे में जाते हैं, यहाँ पर कॉफी पीते हैं और बाहर जोशी की दादी माँ को देखता है जिनके पास बहुत सारा सामान होता है जो कि रोड से उठाकर लेकर जा रही होती है। ली उनकी हेल्प करने फटाफट पहुँच जाता है। जोशी आज फिर से थैंक यू कहती है और खाना ऑफर करती है। ली भी मना नहीं कर पाता है और फिर से आज जोशी के साथ खाना खाता है, क्योंकि जोशी बहुत अच्छा खाना बनाती है। घर में ली देखता है कि ट्रैवल्स की फोटो है अलग अलग डेस्टिनेशन की, यहीं पर एक बच्ची और एक आदमी की भी फोटो होती है। जोशी कहती है कि ये मेरे पिता और मैं हूँ, पर ली सोचता है कि झूठ बोले, क्योंकि जो फोटो में होते हैं ना वो वाइट पीपल्स होते हैं, ना कि कोरियन होते हैं। तो इसको काफ़ी अजीब लगता है कि जोशी झूठ क्यों बोल रही है। फिर खाना खाने के बाद ली यहाँ से चला जाता है अपने पार्ट टाइम वर्क पर। यहाँ पर ये काम खत्म करके सियोन के साथ क्लब में जाता है और यहाँ पर बातें करते हैं। ली जोशी के बारे में बताता है, ये कहता है कि एक जोशी नाम की लड़की है जो मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करती है और अपनी दादी माँ के साथ रहती है। वो लोग बहुत गरीब है, रोड पर पड़ी पुरानी चीज़ों को उठाकर उसको कलेक्ट करके उससे अपना गुजर बसर करते हैं। सियोन कहती है कि मेरी आंटी सोशल वर्कर है, वो उनकी हेल्प कर सकती हैं, तुम्हें ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। यहाँ से ये दोनों सियोन के घर पर जाते हैं और यह दोनों प्राइवेट टाइम बिताने वाले थे, पर सियोन इसको रोक देती है ये बोलकर कि ये रूम जो है ना बहुत छोटा है, अगर यहाँ पे इन्होंने कुछ किया और अगर आवाज़ बाहर गई तो लोग जो है अगल बगल के रूम के वो सुन लेंगे और ये बात काफ़ी अजीब हो जाएगी ना। फिर इस वजह से ली यहाँ से बात मानता है, समझता भी है और उठकर चला जाता है। अगले सीन में हम इसको इसके पार्ट टाइम जॉब पर देखते हैं, जहाँ पर इसका साथी वर्कर इसको खाना दे रहा होता है। ली कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, तो वर्कर कहता है ठीक है भाई फेंक देना पर ले लो, पर ली फेंकता तो नहीं है, ये खाना ले जाकर जोशी को दे देता है। जोशी आज फिर से इसको थैंक यू कहती है और इसके बदले में आज फिर खाना ऑफर करती है और आज फिर दोनों खाते हैं। खाके ली उसी व्हील चेयर को रिपेयर करने लग जाता है, पर रिपेयर नहीं हो पाएगा क्योंकि वह टूट चुकी होती है। जोशी इसको वहीं पर पड़ी एक बियर की बोतल मांगती है, इसको लाकर एक बोतल देता भी है और इसको सूंघने लग जाती है और यहाँ एक रूम में लेकर जाती है इसको, जब बहुत सारी बोतल्स रखी होती हैं और बुक्स होती हैं। ली यहाँ एक अपना फ़ोन नंबर भी लिख देता है और कहता है कि कभी भी अगर ज़रूरत होगी तो मुझे कॉल करना। जोशी कहती है कि तुम मेरे लिए कुछ बुक्स ला दोगे क्या, इसको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। खरीद तो नहीं पाती है पर यहाँ वहाँ रोड पर पड़े कूड़ेदान से बुक्स को उठाती है और उसको पढ़ा करती है, और बाहर तो जा नहीं सकती इसलिए इमेजिन कर लेती है जिस भी किताब के बारे में पढ़ती है ना अगर ये, तो उसी किताब की लोकेशन पर पहुंच जाती है और उसको अच्छे तरीके से फील करती है क्योंकि वहाँ पर जा तो नहीं सकती। जोशी एक दिन ली को कॉल करके एक जगह चलने को कहती है, ये इसको एक जगह पर लेकर आता है तो ये इसको एक बच्चे की फोटो देकर कहती है कि जाओ उस आदमी से इस बच्चे के बारे में पूछ कर आओ। तभी यहाँ पर वो आदमी आ जाता है और दोनों पर चिल्लाने लग जाता है। जोशी से कहता है कि तुम लड़के के साथ क्यों आई हो यहाँ पर, तुम्हारी दादी कहाँ है। जोशी कहती है कि तुम अपनी मॉम से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। ली फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि इसको अपना बेटा क्यों बता रही, जबकि इसकी उम्र तो इससे भी कम है ना। अब ये बताती है कि मेरे पिता फॉरेस्ट डिटेक्टिव थे, ये लड़का उनको एक जंगल में मिला पड़ा था और अनाथ था, तो हमने इसको पाला पोसा और इससे मैंने कहा था कि तुम मुझे मदर कहकर बुलाना। ली कहता है कि पर तुम्हारी दादी ने तो कहा था कि तुम अनाथ हो। जोशी कहती है कि उनकी बातों को ध्यान मत दिया करो, वो कुछ भी बोलती रहती है क्योंकि बूढ़ी हो गई है। यहाँ से ली अपने कॉलेज जाता है तो इसके टीचर इससे काम करवाते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा बहुत अच्छी, तुम मेरा काम कर दिया करो। ली खुश होकर काम करने लग जाता है। सियोन इससे मिलती है और बताती है कि उस टीचर की बात मत माना करो, वो बहुत ही हरामी टीचर है
और अपना काम करवाता है सबसे और किसी को भी कुछ नौकरी वोकरी नहीं लगवाता है। ली सुनता नहीं है। अगले सीन में ली उसी आदमी यानी कि जोशी के बेटे के साथ व्हीलचेयर को ठीक कर रहा होता है, पर व्हीलचेयर तो नहीं बन पाती है क्योंकि इसको बनाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें लगेंगी जो मार्केट में मिलती हैं बाहर। ली जाने लगता है तो ये आदमी इसको रोक कर खाना ऑफर करता है। दोनों खाते हुए बातें करती है। बताता है कि जोशी तुमसे जो भी कहती है उससे सीरियस कभी भी मत लेना। वो दिन भर बुक्स पढ़ती रहती है, इमेजिन करती रहती है दुनिया के बारे में, खोई खोई सी रहती है। उसके माता पिता 2 साल की उम्र में उसको छोड़कर चले गए थे और ओल्ड लेडी ने उनको पाला था जो उनकी दादी माँ है। ली को ये सुनकर बहुत अजीब फील होता है। यहाँ से वो दादी माँ की हेल्प करने जाता है और बताता है कि सोशल वर्कर आपकी हेल्प करना चाहते हैं, पर दादी माँ मना कर देती है। ली के फोर्स करने पर वो मान जाती है और सोशल वर्कर इनके घर में आते हैं, इनके घर को देखते हैं, इनके घर के लिए कुछ सामान लाते हैं जो टूटा हुआ हिस्सा था उसको रिपेयर करते हैं और इनके घर की कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाती है। ली यहीं जोशी से पूछता है कि अगर मौका मिले तुम्हें दुनिया घूमने का तो तुम कहाँ पर जाओगी। ये कहती है मुझे स्कॉटलैंड जाना है, मुझे वो जगह बहुत पसंद है। ली इसे स्कॉटलैंड की फोटोज दिखाने लग जाता है गूगल से निकाल कर। सोशल वर्कर आके बताती है कि कोई आपसे बाहर मिलने आया था और ये सियोन होती है जो कि ली से मिलने आई है और ये दोनों को देख लेती है और ये देखकर जोशी को बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। ये काफ़ी उदास हो गई होती है। सियोन कहती है कि मुझे तो लगा था कि जोशी एक उम्रदार औरत होगी पर ये तो यंग लड़की है। हाँ, अगर इन्हें और प्रॉब्लम्स हो तो मेरी आंटी को बता देना, वो बहुत अच्छी है, इनकी हेल्प कर देंगी। यहाँ से ली वापस जोशी के पास आता है पर जोशी डोर बंद कर देती है और उसको यहाँ से जाने को कहती है। साथ ये भी कहती है कि आज के बाद यहाँ पर कभी मत आना। ली से समझाता है पर वो नहीं सुनती इसकी बात को और ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं और अब सर्दियों का मौसम आ गया होता है। अब ली अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर चुका है और आज सियोन के साथ आया होता है कैफे में। यहाँ पर सियोन इसके जॉब इंटरव्यू के बारे में पूछते ली बताता है कि मुझे जॉब के लिए सोल जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो टाउन में कुछ भी नौकरी नहीं मिलने वाली मुझे। सियोन कहती है कि हमारा क्या होगा फ्यूचर, क्या हम शादी करेंगे आगे जाकर, पर ली कुछ कहता नहीं है इससे, इसका मतलब ना ही होता है। यहाँ से अपने प्रोफेसर के साथ ये बाहर जाता है। प्रोफेसर कहते हैं कि हमारे कॉलेज में एक फीमेल प्रोफेसर हुआ करती थी, तुम्हें याद है। ये प्रोफेसर बताते हैं कि उसी फीमेल प्रोफेसर ने ही तुम्हारी गलत गलत बातें बोल दी थी कंपनी में जिसकी वजह से तुम्हारी नौकरी नहीं लगी। ली सुनकर उदास तो बहुत ज्यादा हो जाता है कि मेरे साथ थी और वो ऐसे पता नहीं क्यों कर रही है। और ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन बस स्टॉप पर ही जब बैठा होता है तो औरत आकर कहती कि तुम वही हो ना जो उस अपाहिज लड़की के घर में आया जाया करते थे, उसकी दादी की मौत हो गई है 1 महीने पहले। ली ये सुनकर उदास होकर भागता है जोशी के घर की तरफ क्योंकि वो अकेले अब क्या ही कर पाती होगी। और घर आकर देखता है तो घर की हालत बहुत खराब हो गई होती है, यहाँ तक कि खाने को खाना भी नहीं होता ना पैसे होते। ली इसकी हेल्प करना चाहता है पर जोशी इसे जाने को कहती है। ये जाने लगता है तो उसको बाहर जाकर रोकती है। इसकी फीलिंग कुछ ऐसी होती है कि ये बहुत अकेली है, इसको कोई ना कोई चाहिए, किसी की जरूरत है इसको हर तरीके से, पर ये भी बात होती है कि ये किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती है। ली आकर इसको किस करता है और आज की रात ये दोनों पहली बार साथ में बिताते हैं। जोशी इसे हमेशा के लिए यहीं रुकने को कहती है। ली मान जाता है और अगले दिन अपना सारा सामान उठाकर जोशी के घर में शिफ्ट हो जाता है। दोनों लिविंग में रहने लग जाते हैं और ली टाइम टू टाइम इंटरव्यू भी दिया करता है। आज इसको वही प्रोफेसर मिली होती है। ये बताती है कि बुरा मत सोचना तुम मेरे बारे में, मैंने तुम्हारी नौकरी वहाँ पर इसलिए नहीं लगने दी थी क्योंकि वो कंपनी बहुत बेकार है। जिस कंपनी में तुम आज इंटरव्यू देकर आए हो ना, यहाँ पर मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगी क्योंकि ये अच्छी कंपनी है, तुम फिक्र मत करो। ली कुछ कहता नहीं है और घर आ जाता है। जोशी आज प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है पर नेगेटिव आता है और आज रात ली इसे फिर से गूगल से फोटोज निकाल कर दिखा रहा होता है अलग अलग कंट्रीज की। और आज ना बहुत ज्यादा ठंड होती है, हीटर ने भी काम करना बंद कर दिया होता है तो ली बाहर ऑयल लेने चला जाता है। जोशी इसको देख रही होती है, वो समझने लग गई है कि ली ऐसी जगह पर नहीं रह सकता, मुझे तो आदत है इतनी ठंड में इतने टूटे फूटे घर में रहने की। इसके बाद कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, दोनों मेले में आए होते हैं, मस्ती करते हैं बहुत सारी और यहाँ से सीन कट होकर आ जाता है 5 साल बाद। ली जोशी को पीठ पर उठाए स्कॉटलैंड घुमा रहा होता है, एक शांत जगह पर बैठा देता है ले जाकर। और जोशी कहती है कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ यहाँ आना चाहती थी, पर यहाँ जोशी अकेली होती है, ली नहीं है उसके साथ। जोशी घर पर ही होती है और फोटोज को देखकर इमेजिन कर रही होती है ली के साथ स्कॉटलैंड घूम रही है, ये इसका ऐसा लग रहा होता है सपने में। इतने में आदमी जिसको ये अपना बेटा मान दिया आकर कहता है कि हमें अस्थियां बहाने के लिए जाना दादी माँ की, हम चले। और जोशी आज कार ड्राइव कर रही होती है, ये कार स्पेशली डिसेबल लोगों के लिए बनी होती है। यहाँ से सीन आ जाता है ली पर जो कि सियोन के साथ बैठा हुआ है और ये दोनों अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे होते, काफ़ी खुश है दोनों। और ट्रैफिक सिग्नल पर आज दोनों की गाड़ी रुकती है तो ली जोशी को देखता है और ली खुद को रोक नहीं पाता, उसको देखकर रोने लगता है। और यहाँ से फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जोशी ने इसे कहा था कि हमारी लाइफ अलग है, मैं तुम्हें अपने घर में कैद करके नहीं रखना चाहती हूँ, हमें अलग होना पड़ेगा। ली ये सुनकर रोने लगता है वहीं पर,
पर ये समझता भी है कि ये बात तो सही है, मैं इसके लिए इसके घर में कैद होकर नहीं रह सकता, मेरी भी एक जिंदगी है, पर क्यों नहीं रह सकता उसके साथ ऐसे। सवाल तो ये होता है। खैर यहाँ पर जो फिल्म है वो खत्म हो जाती है। एक्चुअल में देखो ऐसा था कि जो जोशी थी ना वो सारी बातें झूठ बोला करती थी, जोशी ने सब कुछ झूठ बताया था। और जो दादी माँ थी और वो जो लड़का था ना, यानी कि जिसको वो अपना बेटा माना करती थी, उन दोनों ने हमेशा सच बताया है ली को उसके बारे में। ऐसा था कि जो जोशी थी ना उसको लगता था ना कि वो दुनिया घूम रही है, यहाँ वहाँ जाती है, ये करती है, बिकॉज उन्होंने बुक्स पढ़ा करती थी, वो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, ठीक है ना। तो वो जा सकती थी, हालांकि जा भी सकती थी, ऑप्शन होता, बट उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने बुक्स को ही अपनी दुनिया बना ली थी, उनको पढ़ती थी, फिर वो उस जगह पर खुद को इमेजिन किया करती थी। उसके माता पिता सच में उसको 2 साल की उम्र में छोड़कर चले गए थे, और इसके बाद उसको दादी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था। और उसने जो फोटो के बारे में बताया था ना कि ये मैं हूँ और ये मेरे पिताजी है, जबकि वो कोई फॉरेनर थे ना कि इसके, क्योंकि ये तो कोरियन होती है, जो ली को पहले ही समझ जाना चाहिए था, पर उसको लगा था झूठ बोल रही है। कोई बात, उसको ली के साथ अच्छा लगता था, उसको हेल्पफुल लगता था उसकी, क्योंकि किसी ने भी ना जोशी को कभी भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया था। जब से वो पैदा हुई थी वो घर में ही थी, बुक्स को पढ़ा करती थी, और वो जब कभी भी मुश्किल से बाहर निकलना हो उसका, तो गंदे लोग मिलकर उसको परेशान करने लग जाते थे। उसकी इतनी टफ लाइफ के अंदर ली आया था, जो कि उसके लिए किसी ना मतलब फरिश्ते से कम नहीं था, उसने उसकी हेल्प की काफ़ी ज़्यादा। और जब उसने ली को सियोन के साथ देखा तो वो जल गई थी बहुत ज़्यादा कि ये कौन है लड़की, इसलिए उसको यहाँ पर आने से उसने मना कर दिया था कि ठीक है जाओ तुम यहाँ। जब वो दोबारा आया तो उसने उसको जाने को कह दिया था, वो जाने भी लग गया था, वो फिर शायद कभी नहीं आता, पर वो समझ गई थी कि उसको हर तरीके से किसी ना किसी की ज़रूरत है। वो क्या करती अकेले, एक तो अपाहिज थी ना, वो कमा सकती है ना बाहर जा सकती थी, हालांकि वो कर सकती थी, बट इस मूवी में दिखाया गया कि वो कुछ भी नहीं कर सकती थी उस टाइम। सर्दियों का मौसम भी आ चुका था, उसके घर में खाने को भी कुछ नहीं था, तो ऐसा कुछ था। तो उसने एंड मौके पर उसको रोका ली को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको पसंद भी किया करती थी, हालांकि उधर रहे। और बाद में उसको रियलाइज हो गया कि इस टूटी फूटी जगह पर मैं ली को नहीं रख सकती हूँ, तो जब उसने उसको जाने को बोल दिया था वो अलग हो गए थे। पर ली चाहता तो उसके रुक सकता था, उसके पास ऑप्शन थे, मतलब रुक जाता वो, ऐसा कुछ नहीं था, बट वो चला गया क्योंकि उसको भी लगा कहीं ना कहीं ठीक है मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में कैद होकर नहीं रह सकता हूँ। उसको शायद सोल जाना था, वहाँ पे जॉब करना था, नौकरी करनी थी, क्योंकि वो फिल्म के अंदर पूरे में नौकरी की तलाश में दिखाए, क्योंकि जब भी वो कॉलेज में पढ़ता था जब भी उसको नौकरी चाहिए थी, उसके बाद भी कई जगह उसने ट्राई की, तो उसको ना नौकरी करनी थी बेसिकली मेन ये था। और सियोन थी उसकी पहले फ्रेंड थी, दैन फिर उसके बाद उसकी शादी होने वाली है उसके साथ, तो उसके लिए तो मेरे को अच्छा लगा कि अच्छी बात है उसकी शादी हो रही है। और जोशी फिल्म के एंड में हमें दिखाई जाती है कि अभी भी वो सपने की दुनिया में है, अपनी बुक्स को पढ़ती है और उसी में खोई रहती है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलता हूँ और भी ऐसी वीडियो के लिए। बाय।